अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते जो सभी शौक से खाते हैं। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, पहले मैं कीमे की चीज़ें आपको बता रही हूँ। ये हाफ के जी मैंने कीमा लिया है बीफ का। मसालों में जाएंगे, एक टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर है, एक टीस्पून नमक है, एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और एक टीस्पून से थोड़ा कम ज़ीरा है ये साबुत। एक छोटी प्याज है और तीन हरी मिर्चें हैं। ये मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं खाते तो मैं अपने हिसाब से मैंने डाली हैं। 3 टेबल स्पून ये बेसन है भुना हुआ, आप चाहें तो इसमें चने भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास चने नहीं है तो फिर बेसन डाल दें। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून भर के और एक अंडा जाएगा इसमें। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें और अब मैं स्टार्ट करती हूँ कीमा। पहले पीसेंगे हम। अच्छा, ये कीमा डाल रही हूँ मैं इसमें चॉपर में। ये मसाले और मैंने इसमें जो ये ज़ीरा डाला है साबुत, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। बेसन, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये प्याज और हरी मिर्चें। अंडा मैं बाद में डालूंगी, हरा धनिया और अंडा बाद में डालूंगी। अच्छा, अब मैं इसको चॉपर में पीस लूँगी, फिर मैं इसको दिखाती हूँ आपको पीस के। अच्छा, ये मैंने कीमा पीस लिया है चॉपर में और अब मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। ये और ये अंडा, ये मैंने मिक्स कर लिया इसमें अंडा। अच्छा, अंडा मैंने हाफ ही डाला है क्योंकि 1 केजी में एक अंडा डलता है, तो ये हाफ के जी है मेरे पास कीमा, तो मैंने हाफ ही डाला इसके अंदर, वरना ज़्यादा हो जाएगा तो नरम हो जाएंगे कोफ्ते। अब मैं इसके कोफ्ते पानी का हाथ लगा के ये आप देख सकते हैं मैंने बना लिया है, और इसी तरह से मैं तमाम कोफ्ते बना लूँगी। अच्छा, ये मैंने कोफ्ते बना लिए हैं आप देख सकते हैं, और अब मैं ग्रेवी बनाने की तैयारी करूँगी। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ग्रेवी बनाने के लिए ये मैंने 1/2 कप ब्राउन प्याज ली है और ये 1/2 कप दही है। मसालों में 1.5 टेबल स्पून वो धनिया पाउडर है, 1.5 टेबल स्पून, 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। दो टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और ये साबुत गरम मसाला है। अच्छा, ये गरम मसाला जाएगा, 2 बड़ी बड़ी इलायचियाँ हैं, 7-8 काली मिर्चें हैं और 7-8 वो हैं 6 लौंग हैं। तो चले फिर शुरू करते हैं इसकी ग्रेवी बनाना। अच्छा, ये ऑयल रख दिया है मैंने गरम करने के लिए, 1/2 कप ऑयल है ये, और इसमें मैं ये गरम मसाला डाल रही हूँ। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, भूनेंगे इसको थोड़ा सा, फिर मैं और चीज़ें डालूंगी। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने इसको कर लिया है हल्का सा, भूनने के बाद मैं इसमें ये ब्राउन प्याज डाल रही हूँ।
अच्छा, लहसुन अदरक प्याज और ये गरम मसाले इसको मैंने भून लिया है थोड़ा सा, और अब ये मैं मसाले डाल रही हूँ और फिर इसकी भुनाई करूँगी। भुनाई इसकी अच्छी तरीके से करनी है ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा है। थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें। तो भूनेंगे जब तक इसका तेल निकल आए खूब अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद में इसको दही डाल के भूनूंगी। 2-3 मिनट में ऐसे ही भुनाई करूंगी अभी मसाले के साथ। अच्छा देखें, 2-3 मिनट हो गए इसको मुझे भूनते हुए, कितना अच्छा से इसमें ऑयल भी निकल आया है और मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया है। लेकिन अभी मैं इसकी और भुनाई करूंगी दही डाल के। थोड़ा थोड़ा दही डाल के मैं इसको भुनाई करूंगी। मिक्स हो जाएगा ये अच्छी तरह से, फिर मैं और डाल दूंगी। और अब मैं इसकी भुनाई करूंगी, 3-4 मिनट और भुनाई करूंगी। अच्छा, 3-4 मिनट भुनाई करूंगी मैं और फिर इसके बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और फिर उसके बाद में कोफ्ते डालूंगी। अच्छा ये देखें आप, हमारा मसाला बहुत अच्छा से ही भुन गया है, ये ऑयल निकल आया है इसका अच्छी तरह से। अच्छा ये मसाला भुन गया है हमारा, और आप देख सकते हैं इसका तेल वेल सब निकल आया है अच्छी तरह से, और ये ग्रेवी देख सकते हैं आप इसकी। क्योंकि इसको मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, बस अगर डालूंगी अभी पानी तो मैं बस थोड़ा सा डालूंगी इसको, हमें थोड़ा भुना भुना रखना है, बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं करना है इसको। अच्छा ये पानी डाल दिया है इसमें मैंने, इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए तो फिर मैं कोफ्ते डालती हूँ। इसमें उबाल आ जाए, आँच मैंने हल्की कर दी है, और अब इसमें मैं कोफ्ते डालती हूँ। ये मैंने कोफ्ते डाल दिए हैं, और मैं अभी चमचा नहीं चलाऊंगी इसमें बिल्कुल भी, अगर मुझे करना होगा तो बस मैं इसको इस तरह से हिला दूंगी बस हल्के हल्के से। और अब इसको थोड़ी देर पकने दूंगी। अच्छा ये 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए कोफ्तों को, और अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। कोफ्ते तैयार हो गए, आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी, बस ये इतनी रखनी है इसकी। और अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी। अब मैं डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको। जी मैंने डिश आउट कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये हमारे कोफ्ते, और जितने खूबसूरत लग रहे हैं इससे ज़्यादा टेस्ट में अच्छे हैं ये, बहुत ही अच्छे बन जाते हैं ये इस तरह से। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।